हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी? होप सब अच्छे से होंगे। सबका वेलकम है गाइस मेरे चैनल पे, स्टेप फॉर वीज़ा पे। आज आपके लिए गाइस लेके आए हैं रिगार्डिंग क्रोएशिया वर्क परमिट की अपडेट्स, कि किस में क्या सिनेरियो चल रहा है, प्रोसेसिंग टाइम क्या चल रहा है, VFS में जिनका सबमिशन हो चुका है उसके बारे में बात होगी, और जिनका क्रोएशिया से जिसमें आपको सबमिशन स्लिप मिलता है वेबसाइट से, तो उसका प्रोसेसिंग टाइम के बारे में बात होगी। तो जो मेरे चैनल पे गाइस फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो को गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस बात करेंगे हम आज जिनका क्रोएशिया में जो हैस की वेबसाइट पे सबमिशन होता है, जिसमें मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, परमिट परमिट वहाँ से आता है, जो एम्प्लॉयर की तरफ से अप्लाई होता है, तो उसमें आजकल कितना टाइम लग रहा है, तो क्या प्रोसेसिंग उसकी चल रही है। तो गाइस उसका प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है 30 दिन से लेके 120 दिन के बीच बीच में। ओके, तो 30 दिन, जैसे कि मैंने मेंशन किया है कि क्या वाकई 30 दिन में परमिट आ रहा है, तो यस, जी बिल्कुल सच है, 30 दिन में भी परमिट आ रहा है। बट उसमें क्या है, कई एप्लीकेंट्स ऐसे हैं, मेरे पास भी मैसेज आते हैं, वो बताते हैं कि हमारा परमिट अप्लाई हो गया है, बट उनका परमिट अप्लाई हुआ ही नहीं होता, बिकॉज़ उनके पास एक तो सबमिशन स्लिप नहीं होती। ओके, तो गाइस जब भी आप अप्लाई करते हो अपने एजेंट्स से बोलिए कि वो आपको सबमिशन स्लिप प्रोवाइड करें, जिससे पता चले आपका जो परमिट कहाँ पे अप्लाई हुआ है, किस सिटी में अप्लाई हुआ है, किस जॉब में अप्लाई हुआ है, कौन सी कंपनी से अप्लाई हुआ है। ओके, परमिट जल्दी तभी आता है, वो डिपेंड करता है गाइस आपका कौन से सिटीज से है और कौन सी कंपनी से है। ओके, कुछ कंपनीज आप जैसे कि जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में डाला था, कंपनी आपको पता होनी चाहिए और कंपनी आपकी एक्टिव होनी चाहिए। जब स्टेटस चेक करते हैं ना, जब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर ऑफर लेटर आता है तो उस पर कंपनी लिखी होती है, तो आपको कंपनी चेक करनी होती है, कंपनी आपकी एक्टिव है। ओके, तो सही है, उसकी रेटिंग क्या है, रेटिंग सही होनी चाहिए, बिकॉज जब परमिट वहाँ से रिलीज होता है पुलिस स्टेशन से, क्रोएशिया से, तो ये देखा जाता है कंपनी का जो है फाइनेंशियली क्या, उसकी बैलेंस शीट कैसी है, कंपनी एक्टिव है, टैक्स भर रही है, कंपनी की रेटिंग क्या चल रही है, परफॉर्मेंस क्या है, तो वो सब देख के ही वहाँ से जो है पुलिस स्टेशन से परमिट रिलीज होते हैं, उस अकॉर्डिंगली ही। ओके, तो डिपेंड करता है आपका किस सिटी से हुआ है, और सबसे ज़्यादा गाइस जो टाइम लग रहा है इस टाइम, जैसे मैंने लिखा है 120 दिन, 120 दिन जो लगता है गाइस जैग्रेब से, जिनका भी जैग्रेब सिटीज से अप्लाई हुआ है, तो मान के चलिए 120 दिन तक उनका समय लग सकता है, और मे भी उससे ज़्यादा भी लग सकता है, बिकॉज वो कैपिटल है, तो सबसे ज़्यादा जो परमिट अप्लाई होते हैं जैग्रेब में होते हैं। सभी सोचते हैं कि हम जैग्रेब, हर कोई को बोलता है मैं जैग्रेब जाऊँ, बट उसमें गाइस बहुत ज़्यादा आपका वक्त लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसमें। तो अगर आप जैग्रेब से बाहर किसी दूसरे सिटी में करते हैं, टाउन हाउस में करते हैं, लाइक स्प्लिट, जैसे स्प्लिट जडार, ओके, तो टाउन हाउस से या सिटी से दूर आप अगर आपका परमिट अप्लाई होता है, तो गाइस आपका 30 से लेके आप मान के चलिए 60 दिन, इससे ज़्यादा नहीं, तो उसमें आपका परमिट आ जाता है बहुत आराम से, बिकॉज वो आउट ऑफ जैग्रेब है, और जैग्रेब से दूसरे सिटीज से बाहर से अप्लाई करेंगे तो उसमें चांसेस ज़्यादा है आपके परमिट जल्दी आने के। तो आप सिर्फ जैग्रेब ही मत सोचिए कि जैग्रेब ही अप्लाई करना, उससे बाहर भी अप्लाई करें तो आपका परमिट जल्दी आएगा। बस अब इस चीज़ का ध्यान रखें, आपकी कंपनी एक तो एक्टिव होनी चाहिए, आप कंपनी जब भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर ऑफर लेटर आपको एजेंट देता है, तो आप कंपनी ज़रूर चेक करिए, मेरे वीडियो में मैंने डाला हुआ कैसे चेक करना है, कंपनी कंपनी चेक करिए और उसका स्टेटस चेक करिए, एक्टिव है। ओके, तो ये उसकी रेटिंग चेक करिए क्या है, तो वो देखते रहिएगा, जब आपका परमिट भी अप्लाई हो जाए तो उसमें देखते रहिएगा, बिकॉज़ वो एक्टिव होनी चाहिए और रेटिंग सही रहनी चाहिए, और बिकॉज़ परमिट जारी करने से पहले ये चीज़ों की जांच होती है।
ओके तो परमिट आपका इस प्रकार से जो है जल्दी आएगा अगर आप जैग्रेव से बाहर अप्लाई करेंगे, और किसी भी कोई भी जॉब हो, पर्टिकुलर ये नहीं है कि कंस्ट्रक्शन का जॉब है या होटल का जॉब है या डिलीवरी बॉय का जॉब है, टैक्सी ड्राइवर, कोई भी ऐसी जॉब नहीं है कि हाँ इस जॉब का जल्दी आता है इस जॉब का लेट आता है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके तो सब जॉब्स में सेम ही रहता है, बस आप जैग्रेव से बाहर अप्लाई करेंगे जल्दी मिलेगा, जैग्रेव के अंदर अप्लाई करेंगे उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और कोशिश करेगा इस आप जब भी परमिट अप्लाई करते हैं उसमें तो आपका 1 साल वाला परमिट हो, सीजनल ना हो। सीजनल में एक्चुअली ऐसे होता है कि बार वैसे में टाइम लग जाता है तो इश्यू क्रिएट होता है। ओके तो गाइस इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका जो है 12 महीने का 1 साल वाला परमिट हो तो उसमें ही जाने का बेनिफिट है। ओके और दूसरा गाइस अभी बात करते हैं VFS की, जिनकी सबमिशन हो गई है VFS में, तो उनका प्रोसेसिंग टाइम क्या चल रहा है। लाइक सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2023 की बात करेंगे, जिनकी इन 3 मंथ्स में सबमिशन हुई है, तो उनका क्या स्टेटस है, कितना टाइम अभी VFS में लग रहा है, क्रोएशियन एम्बेसी जो न्यू दिल्ली में है कितना टाइम ले रही है। तो गाइस अभी वही है, सेम टाइम है अभी। आप मान के चलो पहले तो था किसी का महीने महीने में भी आए थे, बट अभी 90 डेज मान के चलिए कम से कम। मुझे बहुत मैसेज आते हैं कि अभी तक आया नहीं कैसे है, 90 डेज और मे बी 100 डेज भी हो जाएं। ओके और ये सारे गाइस कैलेंडर डेज हैं, नॉट वर्किंग डेज, सारे दिन सैटरडे संडे इंक्लूड करके। अब कम से कम सबसे पहले तो जब भी आपका सबमिशन होता है 90 दिन तक वेट करें। ओके और बिकॉज कई बार 85 डेज में भी आ जाता है, 95 डेज में भी आ जाता है, 90 डेज में भी आ जाता है, बहुत ही इक्का दुक्का होता है थोड़ा सा कि लेट हो जाए, पर 90 दिन हम मान के चलिए कैलेंडर डेज सैटरडे संडे इंक्लूड करके। ओके तो अभी जो हाल ही में जो जिनका सबमिशन जैसे इन 3 महीनों में हुआ, तो अभी जो करंट जो वीज़ा स्टैम्पिंग होके आ रहे हैं गाइस, जो क्लियर हो रहा है वो है अभी अगस्त, जो है ऑलमोस्ट फिनिश हो रहा है। ओके अगस्त सब क्लियर हो चुका है तो सितंबर शुरू हो चुका है, सितंबर वालों की जो है स्टैम्पिंग गाइस शुरू हो चुकी है। ओके और बिकॉज अगस्त भी साथ साथ थोड़ा बहुत जिनका रह गया उसको भी जो है बेस्ट क्लियर कर रही है, तो VFS से पासपोर्ट डिस्पैच हो रहे हैं सबके, अगस्त जो ऑलमोस्ट जो है सारा क्लियर होने वाला है, तो सितंबर भी स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो ये जो दिसंबर का मंथ है गाइस, इसमें जिनके भी सितंबर की सबमिशन हुई है तो सितंबर वालों का जो है इसमें सबका जो है VFS से पासपोर्ट डिस्पैच होके आ जाएंगे सितंबर वालों के। और जो अक्टूबर वाला है गाइस, ओके तो अक्टूबर वालों का है जनवरी में होगा, जनवरी में उसका स्टार्ट हो जाएगा काम, और जो नवंबर है उसका फरवरी होगा। बाय चांस ही होगा कि हाँ उसका जैसे कि लकीली क्या होता है 60 डेज 65 डेज में भी कईयों के लकीली हो जाता है जल्दी से, बट आप 90 डेज तो मान के ही चलिए। और दूसरी बात गाइस, जो अक्टूबर वाले हैं उनकी जो है फाइल्स ओपन होनी स्टार्ट हो गई हुई हैं, बिकॉज इसमें गाइस फेस रहते हैं। ओके फाइल जैसे जिसको सबमिट किए हुए 1 महीना हो जाता है, जैसे आपका सबमिट हुए 1 मंथ हो गया हुआ है, तो ये नहीं कि फाइल आपकी चेक की नहीं होती, 2-3 महीने ऐसे पड़े रहते, ऐसा नहीं होता, वो स्टेजेस होती हैं। 1 महीना जब हो जाता है तो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं कि हाँ सही है सब, ओके जेन्यून है। इंश्योरेंस अगर उनको लगता है दोबारा से एक्सटेंड करने वाली, तो इंश्योरेंस के लिए मेल वगैरह आ जाती है बेसिस कि हाँ इंश्योरेंस को नया इंश्योरेंस दीजिए, तो ये सब चीज़ें होती हैं। 1 महीने बाद जो होता है फाइल चेक हो जाती है, ओपन होनी स्टार्ट हो जाती है, और अक्टूबर की जो है फाइल्स गाइस ओपन होनी स्टार्ट हो गई हैं, और सितंबर का जो है वीज़ा स्टैम्पिंग स्टार्ट हो गया, जो दिसंबर में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। अक्टूबर वालों का जिनका सबमिशन हुआ है तो उनका गाइस जनवरी में स्टैम्पिंग स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर जनवरी से, और नवंबर वाला जिनका सबमिशन हुआ है गाइस उनका फेब में स्टार्ट होगा। ओके तो ये था गाइस अपडेट्स जो आपको मैंने बताया, और वीसा रेशो गाइस अच्छा चल रहा है, बस आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं अच्छे सही से
ऑथेंटिकेट होने चाहिए, रियल होने चाहिए। बस आपका जो वर्क परमिट है गाइस वो खास करके फेक नहीं होना चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस भी आपकी फेक नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं गाइस, वो चेकलिस्ट जो VFS की ऑफिशियल और क्रोएशिया एम्बेसी की ऑफिशियल चेकलिस्ट है, उसके अकॉर्डिंगली सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट होने चाहिए। बस आपका मेन होता है कि आपको चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं VFS में सबमिट होने चाहिए, उसमें से कोई डॉक्यूमेंट्स छूटे ना। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अगर लगाएं इट्स ओके, उसका कोई वो नहीं है, वो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंगली आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट होने चाहिए। ओके, आई होप सो गाइस वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़रूर आगे शेयर करें ताकि सबके पास ये अपडेट पहुँचे, और वीडियो को लाइक गाइस जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर किसी का कोई कंसर्न है आप कमेंट कर सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम Steph4Visa पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, या मेरा ईमेल है Steph4Visa@gmail.com। होप सो वीडियो गाइस अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।